ये जो रिपोर्ट्स कह रहे हैं अभी जो अखबारों में छपा है कि अधिकारी अभी खुद देख रहे हैं कि कन्हैया ने ऐसे कोई गलत नारा नहीं दिया है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कन्हैया कुमार एक कम्युनिस्ट परिवार का है, खुद वो कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट देशभक्त है, कम्युनिस्ट शोषण के खिलाफ है, कम्युनिस्ट वो भारत की जो छवि आज दिखाई दे रहा है असमानता की उसके खिलाफ है। देशभक्ति इसी में है कि गरीबों की आवाज हम उठाए और कन्हैया ने वही किया, तो इसलिए लोगों ने जो उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस गलत लगाए हैं ये बिल्कुल साबित हो जाएगा क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ हो ही नहीं सकता है क्योंकि एआईएसएफ व एसएफआई की जो मेंबर्स है उनकी तो कश्मीर के बारे में एक स्पष्ट समझ है। कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कि कश्मीरी अगर ये चाहते हैं या और लोग, हमारी पार्टी बिल्कुल इसको नहीं मानती है। हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि कश्मीर का मामला 370 के आधार पर, संवैधानिक धारा 370 के आधार पर कश्मीर को फुल ऑटोनोमी के रूप में जो 370 धारा के अंतर्गत होना चाहिए उसको हम डिफेंड करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि कश्मीर के साथ जो ज्यादती हुई है, कश्मीर के डायलॉग के बजाय जो केंद्र सरकार में दल रहे हैं उन्होंने जो थोपने का प्रयास किया है वो बिल्कुल गलत है। डू यू सपोर्ट दिस यू नो द स्लोगन चैंटेड बाय द स्टूडेंट्स इन जादवपुर यूनिवर्सिटी बंगाल इन सपोर्ट ऑफ एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न्ड आवर पार्टीज पोजिशन इज वेरी क्लियर। वी सपोर्ट आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी सपोर्ट autonomy for Kashmir within the framework of the Indian constitution and we are totally against the imposition of anything which goes beyond article 370 by the central government, the snatching away of the rights given under 370 and the refusal to have dialogue in spite of so many official committees promoting dialogue. Therefore these slogans of Azad Kashmir are not slogans which either the CPI or the CPIM supports, so there's absolutely no question about it. But to say that this constitutes sedition is something which is totally wrong, it's completely wrong.